यानी जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ते जाता है, हाँ, उसी हिसाब से रेट बढ़ते जाता है, डिपेंड करता है किस क्वालिटी का, मतलब दुकानदार लोग लेके जा रहे हैं और गांव उसी हिसाब से बेच रहे हैं। नहीं, इधर सारा चीज क्या हो गया, फिर ये थ्री और थोड़ा सा, उसके बाद ये सब चूड़ा हो गया। अच्छा, ये चूड़ा हो गया, तो चूड़ी चूड़ा चूड़ा में क्या अंतर होता है? चूड़ा ये दुल्हन पहनती है। अच्छा, चूड़ा ये सब, हाँ, ये सब दुल्हन के मतलब पर आता है। अच्छा, तो क्या रेट आता होगा इसका? ये सब वही रेंज का है, 800, 1000, 1200, यानी डिपेंड करता है इसमें भी क्वालिटी। हाँ, इसमें हर तरह का क्वालिटी रहता है। चलिए, इधर चूड़ी है, देख लीजिए, आप लोग आइए खरीदारी कीजिए, एक से एक कलेक्शन आप लोग को मिलने वाला है। लहठी मिलेगा, चूड़ी मिलेगा, बाला मिलेगा, और अभी तक चूड़ा हम नहीं सुने थे, लेकिन सर से सुने और चूड़ा आज जाके पता चला दुल्हन लोग पहनती है। तो आप लोग आइए खरीदारी कीजिए। हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लाए हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम आ चुके हैं चूड़ी मार्केट में, और आज का जो ब्लॉग बनने वाला है बहुत ही खास बनने वाला है पूजा। और जो भी मतलब ये वीडियो गांव शहर से आप लोग दुकानदार लोग देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आइएगा, एक से एक कलेक्शन है चूड़ी का। चलिए, हम सारा चीज दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने। जैसा कि दोस्तों अभी हम जहाँ पे खड़ा है आप लोग तो देख ही रहे हैं, और अभी आप अभी हमारे साथ हैं शॉप के ओनर। सबसे पहले हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? आशीष, आशीष अग्रवाल। ये बिजनेस आप लोग कितना सालों से कर रहे हैं? लगभग 30 साल से। 30 साल से, तो क्या मतलब अभी तक का सफर रहा 30 साल के बीच में? ठीक रहा। तो कहाँ कहाँ से कस्टमर आते हैं यहाँ पे चूड़ी खरीदारी करने के लिए? चूड़ी मार्केट के अंदर यहाँ पे पूरे बिहार से आते हैं। अच्छा, पूरा बिहार से, हर जगह से आता है ग्राहक। तो कलेक्शन के बात किया जाए तो किस किस टाइप का कलेक्शन आपके पास चूड़ी है? यहाँ पे कांच का चूड़ी, लाख का चूड़ी है, कांच का चूड़ी फिरोजाबाद से आता है, वो सब वैरायटी है। लाख का चूड़ी जयपुर वगैरह से आता है। अच्छा, और चूड़ा वगैरह है बाहर से आता है, सब दिल्ली वगैरह से। अच्छा, तो इधर सारा चीज चूड़ी हो गया? नहीं, हाँ, ये कांच का चूड़ी है सारा। कांच का चूड़ी हो गया, तो कौन सा कंपनी का देते हैं? संदीप हो गया, संदीप का सबका है। तो क्या मतलब खरीदारी रेट आता होगा संदीप का? संदीप का 30 रुपया के लगभग आता है। अच्छा, 30 रुपया पर डब्बा पड़ेगा। हाँ, जो दुकान में कैसे बेच सकते हैं दुकानदार? 35 रुपए का बिकता है। अच्छा, 35 रुपए का बिकता है। और इधर कौन सा कंपनी हो गया? ये भी सब संदीप पे वाला ज्यादा, मतलब यहाँ टोटली जो कांच का चूड़ी है सब संदीप का। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि संदीप क्वालिटी अच्छा देता है, इसीलिए आपने यहाँ पे रखे हुए। और ऊपर में ये क्या हो गया? ये सब नग वाला चूड़ी हुआ, छोटा डिब्बा में आता है। अच्छा, नग वाला चूड़ी हो गया। हाँ, तो इसका क्या रेट आएगा? ये हर रेट का आता है, 40 का, 50 का, 60 का, हर रेंज का आता है। तो इसमें डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है। ये सबका क्या आएगा रेट? ये सब 40-45 रुपए का रेंज आता है। इधर सारा 40-45। और ऊपर में क्या रखे हैं? ये सब फैंसी है, स्टोन वाला। ये सब का क्या रेट है? ये सब 200-250 रुपए का बॉक्स आता है। 250 का बॉक्स आता है? 200-250-300 हर रेंज का रहता है। अच्छा, तो कितना उसमें पीस रहता होगा लगभग? इसमें चार चार चूड़ी का 4 सेट। और उसके ऊपर क्या हो गया? वही चीज है, उसी का। अच्छा, और वैरायटी है। और लाठी लोग बोलते हैं, लाठी किसको कहा जाता है? लहठी, देखिए ये सब टाइप का हुआ, ये सब टाइप का लहठी होता है। तो ये सब का क्या रेट आता है लहठी का? ये हर रेंज का सेट आता है, कितना? ये हर रेंज का ना, तो ये 500-600-700 हर रेंज का डब्बा आता है। अच्छा, ये सब हर रेंज का डब्बा आता है, उसी हिसाब से फिर 400-200 रुपये डिवाइड करके फिर हिसाब से रिटेल में बिकता है। अच्छा, मतलब इसमें 4 सेट है। हाँ, इसमें 4 सेट डिवाइड किया जाता है। हाँ, इसी को 4 सेट को डिवाइड कर देता है, उसी हिसाब से फिर बिकता है, सिंगल सिंगल सेट करके रिटेल में। अच्छा, तो और भी क्या क्या कलेक्शन है दिखाइएगा? और चूड़ा वगैरह सब मिलता है। आइए, इधर बात किया जाए, ये सेक्शन कौन सा हो गया? ये सेक्शन फैंसी का हो गया सब। अच्छा, फैंसी का, तो दिखाइएगा निकाल कर, हल्का पास में आ जाइए। ये सब फैंसी हो गया, जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, फैंसी हो गया। तो ये क्या चूड़ी का? ये चार चार चूड़ी का सेट रहता है। अच्छा, चार चूड़ी का सेट रहता है, तो इसका क्या रेट आएगा? ये पूरा बॉक्स का, ये पूरा बॉक्स लगभग 350 रुपये का है। अच्छा, लेकिन क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है ना? हाँ, इसका क्वालिटी अच्छा है। अच्छा, तो इसमें सब जितना भी डब्बा दिख रहा है सब चार चार पीस का सेट? हाँ, हाँ, सब चार चूड़ी का सेट वाला है। अच्छा, और इधर बात किया जाए, इधर क्या है? ये सब फिर 2 पीस का बाला है। अच्छा, 2 पीस का बाला है। हाँ, जबरदस्त। क्या रेट आएगा इसका?
ये वही 500 550 वही सब रेंज का रहता है, 500 से लेकर 600 के बीच का रेंज है। अच्छा, बॉक्स का रेट। हाँ हाँ, तो चूड़ा हो गया। अच्छा, ये चूड़ा हो गया। तो चूड़ी चूड़ा चूड़ा में क्या अंतर होता है? चूड़ा ये दुल्हन पहनती है। अच्छा, चूड़ा ये सब, हाँ ये सब दुल्हन के मतलब का रहता है। अच्छा, तो क्या रेट आता होगा इसका? ये सब वही रेंज का है, 800 हजार 1200, यानी डिपेंड करता है इसमें भी क्वालिटी। हाँ, इसमें हर तरह का क्वालिटी रहता है। चलिए, तो इधर चूड़ा हो गया दोस्तों। और छोटे छोटी छोटी जो बच्ची लोग होती है उन लोगों के लिए भी कुछ नहीं? उनके लिए मेरे पास कलेक्शन नहीं है। ये सब फिर कलीरा टाइप का होगा, दुल्हन के लिए कलीरा। अच्छा, वाह बहुत ही सही। इसका क्या रेट आएगा? ये वही आता है 500 600 700 800, हर रेंज का, हर रेंज का। और ये सारा चीज क्या हो गया? ये कांच में ही हुआ, थ्री पीस वगैरह। अच्छा, थ्री पीस हुआ, बाला हुआ, ये सब थोड़ा कम रेंज का रहता है। हाँ हाँ, ये सब 80-100 रुपए का रेंज का रहता है। हाँ हाँ, इसको बाला बोलते हैं? नहीं, हाँ थ्री पीस बोलते हैं इसको, थ्री पीस बोलते हैं। हाँ, चलिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जैसे ही ऊपर आते हैं तो देख लीजिए, नीचे तो आप लोग डेमो देखे ही हैं, लेकिन ऊपर देख लीजिए, पूरा ये कलेक्शन ही कलेक्शन है। और आप लोग यहाँ पे जो नीचे दिखाया था वही चीज यहाँ स्टॉक है, नहीं? लेटी, लेटी का है नीचे, लेटी है। हाँ, सब तो यही पे सारा चीज पैक किया जाता है। नहीं नहीं, पैक नहीं किया था, पैक किया हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है? दिखाया जाता है। अच्छा, तो ये कस्टमर हो? हाँ। तो आप कहाँ से आई है मैम? हनुमान नगर से। अभी मतलब बिजनेस करती है? हाँ जी, जुड़ी नहीं। तो यहाँ पे मतलब कितना साल से आती है खरीदारी करने? 8 साल से। अच्छा, 8 साल से आती है, तो रेट सही लगाते हैं? तो जैसा कि दोस्तों आप बिल वाइए, खरीदारी कीजिए। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। तो ऊपर ये लहठी आइटम हो गया, नहीं? आपको चूड़ी रखा गया है संदीप का, उधर आइए दिखा दीजिए। माला रखा गया है, यानी जो चीज नीचे आप दिखाए वही चीज ऊपर। हाँ हाँ हाँ, स्टॉक है उसका फिर। और ये गोदाम हो गया एक तरह से कहा जाता है? नहीं नहीं, ये लहठी का जगह है, लहठी दिखाने का। अच्छा, ये दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग आइएगा तो लहठी को पसंद कीजिएगा। नीचे एक बार लहठी दिखा दीजिए पूरा कलेक्शन पे, बहुत ही सही सा देख लीजिए कलेक्शन है दोस्तों। चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, इधर भी बहुत सारा कलेक्शन है। ये क्या हो गया सारा चीज? ये सब कांच का बाला हुआ। कांच का बाला हो गया, तो इसको मतलब चूड़ी के अंदर मिक्स करके पहना जाता है? हाँ, मिक्स करके जब सब पहना जाता है। तो ये सब का क्या रेट आता है? ये वही सब आता है 80 का 90 का 100 का, हर रेंज का आता है इसमें। अच्छा, तो मतलब कुछ चूड़ी को डाला जाता है और कुछ? हाँ हाँ, मिला के या सिंगल सिंगल किसी को पहनना रहता है ना, तो सिंगल भी पहन सकता है और कुछ मिला के भी पहन सकता है। हाँ, कुछ मिला के भी पहन सकता है, बीच में चूड़ी डाल के भी पहन सकता है। बहुत ही सही लगती है, नहीं? बहुत ही सही लगेगा। तो ये सब में क्या रेंज है थोड़ा बताइएगा? हर रेंज का रहता है इसमें, 80 का 90 का 100 का। ये 80 रुपये का है इधर से सब। हाँ हाँ, 80 90 100 100। तो एक डब्बा में दो पीस रहता है? नहीं नहीं, ये 8 पीस का डब्बा है, 100 रुपये का। मतलब एक डब्बा में 8 पीस रहता है? डब्बा में 8 पीस है, डब्बा का रेट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन 4-4 पीस करके बिकता है। अच्छा, 4-4 पीस करके बिकता है। हाँ, दुकानदार लोग आते हैं, रेट पूरा आप सही लगा देते हैं? फिक्स रेट होता है, एक ही प्राइस है। बहुत सारे आदमी वीडियो में कमेंट करते हैं, वीडियो में कुछ और रेट बोल देते हैं लोग, यहाँ पे आने पे रेट जो रेट वीडियो बताया गया है वही रेट लगेगा, एकदम फिक्स प्राइस है सारा। मतलब ऐसा कोई तरह का कोई डाउट नहीं होगा? नो, कोई बार नहीं। तो आप भी लवाइए दोस्तों, खरीदारी कीजिए। कितना बजे सुबह में खुल जाता है? 10:30 बजे। रात में 8 बजे तक? रात में 8 बजे तक। और एग्जिट एड्रेस बता दीजिए जो कोई को आने में दिक्कत ना हो। जय गुरुदेव चूड़ी भंडार, चूड़ी मार्केट, कदम कुआ, पटना 8 लाख 3। ये आपका एड्रेस हो गया। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भेजिएगा कभी ब्लॉग बना दीजिए। फाइनली मुझे का ब्लॉग बना देंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आप, समझ रहे हैं, स्वस्थ रहे। एक चीज का नाम भूल ही गए, आप लोग यहाँ पे चूड़ी का कलेक्शन देखे, चारों तरफ चूड़ी ही चूड़ी है, देख लीजिए। आप लोग आइए खरीदारी कीजिए, एक से एक कलेक्शन आप लोग को मिलने वाला है। लहठी मिलेगा, चूड़ी मिलेगा, बाला मिलेगा। और अभी तक चूड़ा हम नहीं सुने थे, लेकिन सर से सुने और चूड़ा आज जाके पता चला दुल्हन लोग पहनती है। तो आप लोग आइए खरीदारी कीजिए, फिर अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।